Hey guys, welcome back to your vlog. Welcome back to Oja Fitness Pal. Sorry. ऐसे तो नहीं होता है. Hey guys, welcome back to Oja Fitness Track. तो आज का जो vlog है वो है traveling vlog और आज जा रहे हैं हम रास्ते पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं. तो hope आप सब वीडियो और भी अच्छा बने इसलिए तो traveling vlog से भी ज़्यादा देखते कैसा अपने अगले लोकेशन की ओर. जय बजरंगबली. लो भाई पहले फॉरवर्ड लाइन से फिर बाद में मेन हाईवे से जाएंगे. गलत रूट ले लिए थे इसलिए वापस जा रहे हैं फॉरवर्ड लाइन की ओर. 17 सेक्शन से हम जाएंगे हम फॉरवर्ड लाइन की ओर. तो अभी हम फॉरवर्ड लाइन तक पहुंच गए हैं. रुके हैं बाकी लोग नहीं दिख रहे कहाँ हैं इसलिए. आज का भी हमारा जो ट्रिप है वो है पाचे पे और मेरी प्यारी विक्रांत पे और एक्टिवा. रेडी विद मास्क. फॉरवर्ड लाइन पे खड़ा हूँ मैं. बाबू भाई का ब्लॉगिंग अलग ही रहता है. अब देखो क्या एक ही दिन में सब मरता रहता है आराम ही. मेरी प्यारी गाड़ी. चिराग भाई हमारे टूरिस्ट गाइड हैं. हर रोड पर चलते हैं. महानगर गैस खाना. महानगर सीएनजी गैस से हम राइट टर्न लेंगे फिर वहां से स्ट्रेट जाएंगे 100 मीटर. इतना सुकून मिलता है तो भाई कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा फिर यार. हाँ मॉर्निंग के टाइम पे ही बाकी अभी थोड़ी देर में भले धूप भी हो सकते हैं. पहुंच गए हम जय हनुमान प्रवेश द्वार. राजधानी स्टेट से नमकीन पे पहला हाल्ट. चलो हाल्ट खत्म हो गया. नाश्ता वाश्ता होने के बाद निकल रहे हैं मंदिर. जय बजरंग. आगे चलते रहे तुम लोग. लड़की को देखेगा पुलिस वाले तो ज्यादा ना अटक करेंगे इसके लिए. हाँ तो लड़की पैदल चल के आना आराम आराम से. बाधा ना हो आराम से पहुंच जाए. भाई जो बीच से निकल रहा है एक नंबर यार. मेरे को ऊपर जाना है फटाफट. मन हो रहा है पहाड़ पे जाके बैठ जाओ. कितना सुंदर दिख रहा है यार.
ये तो साला अलग ही ऑटो ट्यूनिंग हो रहा है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। बहुत ही कूल प्लेस है, जाना चाहिए सबको तो एक ना एक बार। वाह, एक और शिवाजी महाराज का अच्छा खासा बैनर दिख रहा है। यहाँ से देखो भाई, नज़ारा देखो, नज़ारे नज़ारे हम क्या तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या क्या दिख रहा है यार, एक नंबर। वो भाई वो भी दिख रहा है, बादल ही बादल है। वो हो यार, इधर उसके दो तीन फोटोज भी ले लिए, उधर लेना वीडियो बना, बाद में फोटो देख लीजिए। तो ये प्लेस है जिसकी वजह से हमारा लास्ट टाइम प्लान कैंसिल हुआ था। यहाँ पे पुलिस रहती है मोस्टली, रोक सकती है आप लोग को जाते समय। कुंडेश्वर पहुँच चुके हैं बस वाटरफॉल का, से आगे भाई कुंडेश्वर से आगे पहुँच चुके हैं बस वाटरफॉल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ ऐसा है। अभी पूछेंगे अगर नहीं मिलेगा तो, यहाँ के रहने वाले को तो पता ही है कहाँ पे। बेस्ट लाइफ इज प्रिमेटिव लाइफ। लोकेशन में पहुंच गए हैं, अभी चल के जाना पड़ेगा थोड़ा। काका धरना वाला ऐसे रास्ता कि सबसे पहुंच गए हम लोग। क्या सही जगह है ना? बहुत ही अच्छी जगह है, सही नहीं बहुत ही अच्छी जगह है भाई। व्यू ले इधर का, व्यू मैं अपना ले रहा हूँ अभी। झोला उठा के चल पड़े वादियों में घूमने। चलो अभी अंदर चले काशी। आ रहा हूँ, चलो चलो। डांगर वाटरफॉल, डांगर मैं सोच रहा था यहाँ पे जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई बोलता है वाटरफॉल पे ज्यादा नहीं जाने का। पर अरे वाह, हमारा वाटरफॉल यही हो रहा है। पिछले दो ट्रेवलिंग ब्लॉग से वाटरफॉल मिल ही नहीं रहा है ढंग का। हाँ वो आंटी से पूछ लेते हैं। रास्ता उधर से, पर हमें रास्ता फिर भी नहीं पता चला, तो हम फिर से वापस पीछे गए और दूसरे अंकल से पूछे कि रास्ता क्या है। तो इन्होंने बताया कि वहाँ से सीधा सीधा जाओ, तो हम फिर से सीधा सीधा गए। सेम ही रूट था जो पहले रिटर्न आए। इतना नाम है, 8:30 के बाद ही हमें वाटरफॉल देखने मिला, जबकि हम 6:30 बजे निकले थे, टाइम से पहुंच गए थे। कोई भी देखे हमें उससे मतलब नहीं, हम अपना एंजॉय करेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं मारेंगे नहीं, क्योंकि बहुत जन आते ना, ब्लॉग बनाया आता है, देखा देखा साले रास्ता देख लेता है ब्लॉग यूट्यूब पे। ऐसे तो नहीं होता है। वीडियो तो गलती से स्लो मोशन में बन गया, मुझे नॉर्मल मोड में निकालना था, पर गलती से पता नहीं कैसे स्लो मोशन हो गया, तो मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। व्लॉगिंग में स्ट्रगल इज रियल, भाग के जाओ, कैमरा रखो, फिर उठाओ, फिर चलो, फिर दोस्तों के साथ आओ। कोई है? कोई है? कोई है? एक नंबर बापू भाई। मेहनत का फल मीठा होता है मेरे दोस्त, करना पड़ेगा। व्यूज अच्छे दिख ही रहे हैं, लोकेशन बहुत अच्छा है यार।
कैमरा पता नहीं जस्टिस कर रहा है कि नहीं, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छा है। चलो लोकेशन पूछ लेते हैं। हाँ बट मैं वही सोचूं उसको पूछते हैं रिटर्न आते तो चलता है, ऐसा लगता है अपने ऊपर एहसान कर रहा है चल के। उसका पता है गाली का इतना मैंने काटा है ना व्लॉग में से, हाय राम। ट्रोल कंट्रोल जस्ट फील इट। यहाँ पे लोग तंग करते हैं, व्लॉग ही नहीं बनाने देते साले, व्लॉग नहीं बनाने देते, नौटंकी करते रहते। पर मैं तो बनाऊंगा। सबसे भारी बाबू की फट रही थी वो टाइम पे कैमरे को। 8:03 हो रहे पर अभी तक हम लोग को वाटरफॉल नहीं मिला, जल्दी निकलना है अपने को। इसलिए निकलना था क्योंकि 11 टर्फ पे मैच भी था हमारा, आगे भी पब्लिक है तो काफी लोग रहेंगे मुझे लग रहा है वाटरफॉल के लिए। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे प्लेस और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग गया था। मस्ती करो, बहुत पब्लिक यार। सोचो घर में किसी के पास, सोचो हम सबके घर में पानी नहीं आ रहा और हम लोग यहाँ नहाने आए। नहीं मैं नहा के आया। गजब बेइज्जती है। यही नहीं अभी और सुनिए, पता नहीं। अच्छा अच्छा वाटरफॉल के लिए है किधर? अरे लोग कहीं और जा रहे हैं वाटरफॉल गिराने। कुमार ने समझाया खुले में शौच नहीं, लेकिन वाह वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या पूछा तूने? खुद अचानक से सुबह 6:30 उठ गया कि हाँ चलो चलते, अरे जल्दी पानी गिरा और जाने वाला था नेरल, प्लान कैंसिल करके वादियों में आ गया। यहाँ वाले पीछे का भी दिखा दे, मस्त दिख रहा है। मैं जाऊँगा तो दिखेगा एंगा वादियों में। ऐसी वादियाँ है कि यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करेगा, पर थोड़े देर डर भी लगेगा। अच्छा उन लोग का वाटरफॉल खत्म नहीं हुआ क्या? वाटरफॉल चलो चलते हैं, यहाँ से ही रास्ता होगा मेरे को लगता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहूंगा। इतनी भारी ट्रैकिंग हुई है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा चल के आ गए, पूरा पसीना हो गया। और यहीं से रास्ता भी ये हमारा छोटा सा ग्रुप सडन प्लान करके आ गए। रात को मैसेज करते 12:30 चलते हैं। मैंने अपना दूसरा प्लान कैंसिल करके फिर यहाँ आ गया। यहाँ का रास्ता इधर का थोड़ा आराम से आना, और जिसने स्लीपर पहना वो तो एकदम आराम से आना। शुक्ला के लिए गाना गाएंगे, चले जो तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक आता माजी सटक सटक। अरे ले सेल्फी, आओ भैया पहले सब चलो अब सेल्फी लेते हैं। अच्छा ज्यादा मजे में घुस गया मोबाइल के साथ ही। अनुराग आ गया वाटरफॉल, यार कितना सुंदर दिख रहा है, पहली बार मैं ऐसी जगह पे आया हूँ। ओह माय गॉड वाटरफॉल के लिए। अरे वो लोग ऊपर से चढ़े रहेंगे, फिर वो लोग ऐसे कह रहेंगे ऊपर से नीचे भी ऐसे जान चलो डर आएंगे ना, अपन चोट लगा के जाएंगे इधर से, अपन नीचे ही लहा लेंगे क्या, इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत है। अब अपने पास रख। अब दिखेगा वाटरफॉल जिसके लिए हम लोग इतने दूर गए थे। ऑलमोस्ट 1 घंटे का राइडिंग करके हमें यही देखना था, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। #OP देख लो कितना अच्छा वाटरफॉल दिख रहा है यार, इधर तो बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। और फोटोशूट चालू है, चलो फिर आगे जाता हूँ, थोड़ा स्लो मोशन निकालता हूँ वीडियो वाटरफॉल का, अच्छा लगेगा।
तो ये वीडियो तो सिर्फ पार्ट वन है डांगर वाटरफॉल का, पार्ट टू और भी बेस्ट लगेगा जिसमें हम इसको एंजॉय करेंगे कि हम वहाँ पे कैसे क्या किए, उसमें वो सब दिखेगा। तो बी रेडी फॉर सेकेंड पार्ट ऑल्सो, होपफुली आफ्टर अपलोडिंग दिस विद इन 24 आवर मैं वो भी पार्ट अपलोड कर दूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। #struggle is real.